ये है। अरे वाह, साथ में हांडी मटन और चिकन बनते हुए भी आपको दिखाते हैं। मैजिक मसाला है। ये मैजिक मसाला है तो, और ये साथ में मटन भी तौल रहे हैं, इसको एक आध दो बार हिलाना पड़ता है। क्या बात है, खुशबू बड़ी तगड़ी आ रही है। कैमरे से खुशबू तो नहीं पहचान पाए पहुँचा पाएंगे आप। लल्ली मैंने कह के लिए भाई कि हड्डी छोड़ रहा है भाई मटन, लेग पीस भी बुरी तरीके से गल के गायब हो गई है। वो थोड़ा सा अच्छा ही लगा हांडी मटन से हांडी चिकन। ये देखिए ग्रेवी देख रहे हैं आप, देख रहे हैं छूते ही टूट रहा है। तो भाई हांडी मटन की एक आध दो वीडियो ही हमने आपको दिखाई है, या एक ही वीडियो दिखाई होगी, क्योंकि इलाहाबाद में एक ही जगह है ये जहाँ पे हांडी मटन मिलता है। लेकिन हाँ, मैंने आपके लिए एक ऐसी जगह ढूंढ ली है जहाँ शहर में हांडी मटन मिलने लगा है। आपको पता है EFT उस हर जगह पहुँच जाता है जहाँ कुछ अथेंटिक, कुछ नया और कुछ अलग होता है। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं EFT, और आज हम आपको दिखाएंगे चंपारण हांडी मटन, वो भी मेन शहर इलाहाबाद में। अभी नया नया खुल गया और न्यू ईयर और क्रिसमस बहुत पास है, पार्टी करने के लिए आप लोगों के लिए चाहिए जगह और कुछ बिहारी खाना है तो यहाँ आइए। नाम है मटका मीट चंपारण एंड फैमिली रेस्टोरेंट, यहाँ मिलता है अथेंटिक हांडी मटन। अब बाकी आज हम आपको हांडी मटन खा के तो दिखाएंगे ही, साथ में बनते हुए भी दिखाएंगे कि बनता कैसे है। तो यहाँ से 100 मीटर आगे लगभग बहराना चौराहा है, ठीक है, मेरे थोड़ा सा पीछे सेवा समिति कॉलेज है, या कह लीजिए रामबाग वाला पेट्रोल पंप है, लगभग 100 से 150 मीटर आगे होगा, तो उसके बीच में है। और मेरे सामने है होटल रॉयल गैलेक्सी, तो किसी से भी पूछ लेंगे बहराना चौराहा कहाँ है या सेवा समिति कहाँ है, तो वहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाएंगे। सामने आपको एक बोर्ड दिख जाएगा और ऊपर है अश्विनी गैस सर्विस, उसी के नीचे इनका वो आउटलेट है, और बहुत ही मस्त आउटलेट है। मतलब बाहर ये बनता है, आपको हांडी हंडी बाहर दिखी रही होगी, और अंदर जो है वो बैठने वैठने की व्यवस्था। तो आइए अंदर भैया से बात करते हैं और पूरी डिटेल देते हैं। आइए पहले आउटलेट का एक व्यू देते हैं आपको, उसके बाद आपको बनते हुए भी ज़रूर दिखाते हैं। तो भैया ये बताइए कितना दिन हो गया इसको ओपन हुए? ये 14 तारीख को हमने ओपन किया था जी। अच्छा, क्या क्या रहता है आपके यहाँ? हमारे यहाँ सर उपलब्ध सेवा में जो है मटन हांडी है, चिकन हांडी है जी, और पनीर है, अंडा कड़ी है। अच्छा, पनीर और अंडा कड़ी भी है? जी, पनीर अच्छा। और अंडा कड़ी भी है, और स्पेशल बाटी हमारे यहाँ जो है हाँ। बहुत स्पेशल बाटी होती है। अच्छा, बाटी भी है? जी सर। अरे वाह वाह, तो भाई बाटी भी है, तो लिट्टी मटन वाला भी सिस्टम यहाँ पे है। बाकी आपको बिहार का पूरा टेस्ट बिहार वाला यहाँ मिलेगा। अब बनाने वाले लोग भी आपके साथ बिहार वाले? बिहार के। होता क्या है, प्रिपरेशन हो जाती है 10 बजे, और हम अभी शूट करने आए हुए 2 बजे, तो भैया ने एक हांडी हमारे सामने प्रिपेयर करने का वादा किया था, तो वो हमें जरूर दिखाएंगे। क्या भैया, चिकन और मटन दोनों? जी दोनों दोनों दिखाएंगे, मटन का दोनों दिखाएंगे। तो आइए पहले आपको थोड़ा आउटलेट का एक व्यू देते हैं। यहाँ पे ये सिटिंग वेटिंग की व्यवस्था है, तो आप पूरा फैमिली रेस्टोरेंट है, कोई पीने वाने वाला सिस्टम नहीं है, सिंपल से बिहारी खाना खाना है, पार्टी करना है दोस्तों के साथ, बर्थडे या इस टाइप का कोई काम करना है, तो यहाँ पे आइए। बढ़िया अच्छी खासी सिटिंग है और अच्छा एम्बियंस है, लाइटिंग वाइटिंग आप देख ही रहे हैं। बन के हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, देख के ये लग रहा है कि बड़ा जो है वो नाप तौल वाला सिस्टम है, और हांडी मटन सही बात है एक टेक्निकल काम है, हर आदमी नहीं बना सकता। तो भैया लोग, आप लोग चल रहे हो बनाने? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय कुमार हुआ। विजय कुमार, कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से ही, चलिए क्या बनाएंगे पहले? पहले मटन बनाएंगे। चलिए ठीक, तो बड़ा हिसाब रहता है, तौल होल के बनाना पड़ता है। हाँ चलिए, तो प्याज व्याज कटी हुई है और अब स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए कर रहे हैं, 1 किलो तैयार कर रहे हैं। ठीक, और 1 किलो में पड़ती है आधा किलो प्याज। ये देखिए, तो आधा किलो प्याज, सब कुछ नाप तौल के वाला सिस्टम है। ये हमारा मैजिक मसाला है। ये मैजिक मसाला है, ये है इनका मैजिक मसाला, जो एक तरीके से कह लीजिए सीक्रेट मसाला भी है, और ये हर आदमी अलग अलग तरीके से बनाता है। ये नमक मिर्चा मसाला का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ये देखिए एकदम तौल के। अब इसमें आ गया प्याज मसाला और नमक, और ये आ जाएगा इसमें पका हुआ तेल। ये देखिए, ये पहले से गर्म तेल है, अब इसको इसमें मिक्स करेंगे साथ में। चलिए, और ये साथ में मटन भी तौल रहे हैं। अच्छा, ये मटन भैया कहाँ से लाते हैं आप? मतलब ये सब हटिया मंडी? हटिया मंडी से ही लाते हैं, तो पूरा पूरा बकरा ही ले लेते हैं? पूरा पूरा बकरा। बहुत बढ़िया, सामने जाके कटवाते हैं। ये तो एकदम समझ लीजिए, अब तो ऑथेंटिसिटी की गारंटी भी हो गई। एक किलो मटन हो गया, ठीक है, 1 किलो मटन इसमें चला जाएगा डायरेक्ट। हाँ। अब ये मिक्स होगा इसमें। 1 किलो में 16 पीसेस आएंगी, 16 पीसेस में होंगी आपको, 2 नली, 2 चाप, 2 कलेजी। 2 कलेजी। अच्छा, तो अगर कोई पूरा पैक करा के 1 किलो लेके जाना चाहे तो 1 किलो का प्राइस क्या रहता है? 1 किलो का प्राइस है सर 1200। 1200 रुपये, तो पूरा हांडी सहित आप पैक दे देंगे, पैक मिल जाएगा। और इसके अंदर पड़ा हुआ लहसुन वहसुन पड़ा हुआ है? जी जी, लहसुन तेज पत्ता खड़े मसाले पहले से पड़े हुए हैं, इसको इसमें मिला दिया। ये पड़े हुए? अच्छा देखो, ये पड़े हुए हैं इसमें लहसुन, और खड़ी लहसुन बड़ी इंपॉर्टेंट, साथ में काजू भी दिख रहा है हमें, और मखाना भी। ठीक, तो ये होती है ऐसी प्रिपरेशन हांडी मटन की। आपको देखने से बड़ा आसान लग रहा है कि कोई भी कर लेगा, लेकिन वो जो मसाला है ना, वही जान है इसकी। है चिकन की भी प्रिपरेशन देख लेते हैं।
इसमें भी आधा किलो प्याज सेम है। ये आ गया नमक, अब इसमें भी जाएगा एक किलो चिकन। अब आ गया इसमें तेल। अच्छा, एक आपका जो चिकन भी होता है वो भी कट अलग से होता है, मतलब 12 पीसेस वाला कट में। ये आ गया एक किलो चिकन। वाह भाई, एकदम एग्जैक्ट नपा तुला, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं डाला जा सकता ना, एकदम नपा तुला रहेगा। तो ये आ गया चिकन। अब इसमें भाई देखिए, मेन चीज़ तो आपका वो मसाला ही है जी जी, जो अलग होता है। कितना टाइम लगभग लग जाता है इसको होने में? सवा घंटा के बीच में। तो एक से सवा घंटा के बीच में खोलते पका मिलता है आपको? हाँ। वाह भाई, तो ये देखिए, ये है इनका पकाने वाली जगह। अच्छा, ये लकड़ी का कोयला इस्तेमाल करते हैं? लकड़ी। देखिए बहुत सारे प्रिपेयर्ड हैं पहले, और ये चिकन और मटन लग गया है यहाँ पे। अब ये सवा घंटे तक भूल जाएंगे इसको रख के, अब कोई मतलब नहीं। इसे बीच में इसको हिलाना पड़ता है। अच्छा, उसको इस तरीके से घुमा के हिलाना पड़ता है, इसलिए हिलाना पड़ता है, क्योंकि नहीं हिलाएंगे तो ये माल नीचे से लग सकता, नीचे से लग सकता है, क्योंकि बैठा माल लग जाएगा ना जी जी। इसलिए इसको जब ये एयर लेना चालू करेगा जी, तो इसको पकड़ के कपड़े से इसको हिलाना, एक आध दो बार हिलाना पड़ता है। प्रिपेयर जो है वो दिखाइए जरा, एक आध जो पहले से प्रिपेयर्ड है खोल के, चाहे हांडी चिकन हो चाहे हांडी मटन। ये है, अरे वाह, हांडी चिकन। और ये एक किलो पूरा है? हाँ, एक किलो पूरा चिकन। ये देखिए, पकने के बाद ये पूरा दब गया है और ये एक बार में खुला है। ये देखिए, तेल ओल ऊपर तैर रहा है, और लहसुन बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई इसमें। ये आपका लहसुन, ये लहसुन पड़ा हुआ है, और ये है चिकन जो बहुत गर्म है, आराम से आता जी। ये देखिए, वाह भाई क्या बात है, गजब। तो ग्रेवी भी काफ़ी बढ़िया तरीके से बनी हुई है, एकदम गाढ़ी ग्रेवी हो गई है। ठीक, अब बस ये सर्व करने के लिए तैयार है ना। और हांडी मटन दिखाइए जरा, तो ये हांडी मटन तैयार है। अरे वाह, और खुशबू बड़ी तगड़ी आ रही है, कैमरे से खुशबू तो नहीं पहचान पहुँचा पाएंगे आपको, लेकिन ये देखिए, और एकदम गला लग रहा है ऊपर से ही, एकदम गल चुका है ये, और लहसुन लहसुन पड़ा हुआ है भाई। मटन को हांडी में गलाना सबसे बड़ी टेक्निक है, साला कुकर में पकने में 1-2 घंटा ले लेता है, अब हांडी में 2 घंटे पका देते हैं, और सिर्फ ऐसे ही बाहर से हिलाते भर हैं। ठीक ठीक, तो भाई अब हमें भी खिलाइए यादव जी, अब देख के बर्दाश्त हो नहीं रहा है। ठीक है, बहुत तगड़ा बन रहा लग रहा है देखने से, अब खाने के तो हम आपको बताएंगे ही टेस्ट कैसा है। अगर 1 किलो आप लेते हैं तो 1200 रुपये में 16 पीस प्लस 2 कलेजी आती है, और अगर आप मटन हांडी 500 ग्राम लेते हैं तो 8 पीस प्लस 1 कलेजी और 600 की जी। चिकन का हांडी का रेट रहता है 800 रुपये, और हाफ का रहता है 400 रुपये। तो 16 पीस और 8 पीस, तो 16 पीस कटती है। बाकी अंडा करी मिल जाएगी जी, अंडा करी, पनीर, पनीर मिल जाएगी, और पनीर हांडी भी रहती है जी। तो अगर कोई आदमी नॉन वेजिटेरियन और अपने वेजिटेरियन मित्रों को लेके आ रहा है, तो उसके व्यवस्था आपने करके रखी हुई है। कुछ लोग तो वेजिटेरियन भी हो गए हैं आजकल, जो बाकी नॉन वेज नहीं खाते सिर्फ अंडा करी खा लेते हैं, तो वो उनकी व्यवस्था है यहाँ पे। तो एट प्रेजेंट हम लोग बैठे हुए हैं मटका मीट चंपारण फैमिली रेस्टोरेंट बहराना पे। लोकेशन हमने आपको बताई थी बहराना चौराहे से 100 मीटर पहले। रेट तो इम्पॉर्टेंट है ही, रेट तो जैसे नॉर्मल जिससे पहले जहाँ दिखाया था वही है, लेकिन यहाँ पे जो पीसेस मिलती हैं वो ज़्यादा मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा आपको 1 पाव में 4 पीस चिकन का, और 1 पाव में 4 पीस ही मटन का, और दोनों ही, चाहे चिकन हो चाहे मटन, दोनों में ही लहसुन बड़ी इंपॉर्टेंट है हांडी वाले में, तो मैंने दोनों में ही लहसुन डलवा ली है, इसमें भी और इसमें भी। तो देखिए देखिए, ये है इनका हांडी मटन। तो 4 पीस नली मैंने कह के लिए भाई कि नली मुझे दीजिएगा आप। हमने बनने का तरीका आपको दिखाई दिया, प्रिपरेशन आपको दिखाई है, बाकी ये सुबह ही बन गया था, और 12:30 बजे से यहाँ सर्विंग स्टार्ट हो जाती है। ग्रेवी आप देख ही रहे हो, हमने घर पे भी बना के आपको हांडी चिकन दिखाया है। ठीक, और रोटी भी आपको ताज़ी यहीं पर डायरेक्ट बन के मिलेगी। तो ट्राई करते हैं इसको ग्रेवी के साथ भी, और विदाउट ग्रेवी भी ट्राई करेंगे, सिर्फ मटन भी, और कैसा पका है, क्योंकि मटन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। भैया जैसे बता रहे थे कि हम मटन दूर से ही देख के पहचान सकते हैं, अरे वाह, हड्डी छोड़ रहा है भाई मटन, क्या बात है। और 1.25 घंटे की प्रिपरेशन में आप ये हाल देखिए, कि जो उसको कुकर में पकाने में ऐसी तैसी हो जाती है, उसको हांडी में ऐसा पका दिया है उन्होंने कि ये देखिए एकदम अलग, और ये खाली, इसमें कुछ नहीं बचा हुआ है। और ये बकरे की क्वालिटी होती है, ये हर आदमी नहीं पहचान सकता, ये देख रहे हैं। वाह, अब खा के स्वाद भी बता देते हैं आपको। हांडी का सोधापन, वाह, और स्पाइसीनेस बड़ी बढ़िया बैलेंस की है आपने भाई, कृष्णा जी, जी स्पाइसीनेस आपने बड़ी तगड़ी बैलेंस की है। अच्छा, कोई अगर चाहे कि हम थोड़ा और तीखा खाना चाहते हैं, उसको ऑर्डर के हिसाब से बता देगा कि भाई हमें थोड़ा और तीखा खाना है, 5-10 मिनट हम टाइम लेंगे, और वो तीखा भी कर देंगे। वाह भाई, अब समझ में आ रहा है ये तौल नाप क्यों की जा रही थी।
इसलिए की जा रही थी। ये जितनी क्वांटिटी है ये 300 रुपए की है, ये देख रहे हैं आप, ये चिकन मटन वाली, और चार पीसेस हैं इसमें, आप ये देख सकते हैं, ये देखिए, और चार पीसेस की, और ये एक किलो में आप करते हैं 16 पीस मटन की, जिसमें दो कलेजी रहती है। बाकी आप ये देखिए ग्रेवी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ऑथेंटिक टेस्ट मटन वाली चाय है। और बाकी चिकन आप ऑर्डर करेंगे तो चिकन की क्वांटिटी आप देख ही रहे हैं, ये देखिए, और इसमें ये चार पीसेस हैं चिकन की। तो भाई लहसुन भी खा लेते हैं, क्यों लहसुन बचा रहे, मेन चीज़ यही होती है हांडी मटन की। बस इसी को खा के आप खाने के स्वर्ग में पहुंचेंगे। पहले मटन खा लिया, पहले आपको चिकन खाना चाहिए था, क्योंकि मटन मटन है, सही बात है, चिकन चिकन है। तो ये है चिकन, और इस हिसाब से पका हुआ देख रहे हैं कि लेग पीस भी बुरी तरीके से गल के गायब हो गई है। वाह, आइए थोड़ा ट्राई करते हैं हम हांडी चिकन भी। ग्रेवी देख रहे हैं आप, और ग्रेवी की एकदम कंसिस्टेंसी ना बहुत ज़्यादा थिक है ना बहुत ज़्यादा पतली, और जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से है ये। और ये ग्रेवी ट्राई करते हैं, ये है हांडी चिकन की ग्रेवी। सरसों का तेल, सारी प्रिपरेशन सरसों के तेल में रहती है, शुद्ध सरसों का तेल, और खाते ही पता चल रहा है हमको थोड़ा सा अच्छा ही लगा हांडी मटन से हांडी चिकन। आप कह रहे हैं हांडी मटन ज़्यादा अच्छा, हमको तो हांडी चिकन ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन सच बता रहे हैं चिकन की भी ग्रेवी बहुत तगड़ी है। और ये रहता है 200 रुपए का चार पीस, जी जी 200 रुपए का चार पीस, और ये पूरी तरीके से फैमिली रेस्टोरेंट है। जब आप यहाँ पे आओगे ना तो फैमिली के साथ, और हर जगह बोर्ड पे लिखा हुआ है शराब पीना सख्त मना है। भाई चिकन एक बार हम और खा लेते हैं, हमें चिकन काफ़ी अच्छा लगा, मटन तो अच्छा है ही और लहसुन भी। तो ये देखिए ग्रेवी देख रहे हैं आप जी, और हांडी मटन में देख रहा था ये भी है कि आप बकरा अच्छा लाइए ना, कैसे पका हुआ बकरा मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए मटन का पीस है, किस तरीके से पका हुआ है, वो तो हड्डी छोड़ रही थी आपको दिखाई मैंने, ये देखिए देख रहे हैं छूते ही टूट रहा है, और ये बकरे की क्वालिटी है, ये देख रहे हैं। इस तरीके से जब मटन पका रहता है ना तब खाने में मज़ा आती है, अगर थोड़ा सा भी खिंचने वाला हो गया ना तो फिर ये लगता है कि यार भैया ना ही खाओ, ज़्यादा मन ख़राब हो जाता है अलग से, लेकिन यहाँ पर इतना बढ़िया तरीके से पका हुआ है कि अब क्या ही कहने। न प्याज न नींबू किसी चीज़ की जरूरत अभी तक पड़ी नहीं हमको, क्योंकि एकदम हमारे स्वाद का बना हुआ है, ना ज़्यादा मिर्चा ना ज़्यादा तेल। तो अब हम लोग खा लेते हैं, और खाने के बाद आपसे एकदम डिटेल रिव्यू इसका एक देते हैं। तो भाई देखो चिकन और मटन हमने ले लिया था, और जिस क्वांटिटी में था हम लोगों को रोटी छोड़ के चिकन और मटन ख़त्म करना पड़ा, क्योंकि वेस्ट करने की मेरी आदत नहीं, आपको पता है। हम प्रयागराज की जनता से अपील करेंगे जी, एक बार हमारे शॉप पे आए जी, यहाँ का टेस्ट करें, आदमी खाने के बाद जो भी खाएंगे खुद बताएंगे जी। और हमारे यहाँ कोई डीप फ्रीज का काम कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, नई शॉप है, और भैया नए नहीं है इस काम में, भैया नए बहुत दिन से काम कर रहे हैं, ये इलाहाबाद में शॉप नहीं है, और जैसे भैया बता रहे थे कि भाई मैं बकरा दूर से देख के बता दूँ कटा हुआ भी कि ये खस्सी है कि बढ़िया है कि गौसा है, बिल्कुल बता, और ये एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है इस काम में, क्योंकि इससे पहले जब चंपारण हांडी मटन हमने दिखाया तो लोगों ने बोला कि भैया बढ़िया है बकरा लगता है, बढ़िया है कि नहीं, हमने कहा भाई ये तो हमने नहीं देखा, लेकिन अब जरूर पूछेंगे जहाँ कवर करेंगे, तो बढ़िया बकरा ही लगता है यहाँ पे, ठीक। बाकी अपने अच्छी अच्छी रिकमेंडेशन वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कृष्णा भैया के पास आइएगा और मटन ट्राई करके मुझे भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा। 100% मैं कह सकता हूँ कि आप निराश नहीं होंगे, 100% सेटिस्फाई होंगे, और न्यू ईयर आपका एकदम बढ़िया जाने वाला है यहाँ का हांडी मटन और चिकन ट्राई करने के बाद। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं प्रयागराज की दूसरी वीडियो में।